चलो दूसरी तरफ लो मानी नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है सर्दियों का मौसम की चीज है नहीं चाहे पियो तो आड़ी उम्र दी तो चाहे जरूरी होंदी है नहीं नहीं बहुत जरूरी होंदी है चाहे अच्छा अच्छा लेकिन सब तो पहले मैं एक साडे फैन हैं लाहौर तो उन्होंने नाम लेना जरा ना जरूरी है क्योंकि उन्होंने काफी बारी रिक्वेस्ट की है लेकिन मैंने भूल जाता सी अली हमजा लाहौर तो हैं साडे रेगुलर व्यूअर हैं और सानू वाच करते हैं ते उन्हां दा बहुत शुक्रिया उन्होंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि मेरा ना नाम तुसीं लैणा वा अपने चैनल दे विच ते मैं कह जी जरूर इंशाअल्लाह और फायजा बीबी जी है ना जी माशाल्लाह टिकी हुई है फैनली सौंगी हुई सी लेकिन हुण साडी ड्यूटी जी है ना लग गई लेकिन साडे कोल मेहमान भी आए हुए हैं तो फैनली जरा असीं वैसे जागना चाह रहे थोड़ी देर तो चलो कोई नहीं अज दी ते कह रहे ना अज दी थोड़ी देर जाग लवेंगे है ना पकाइया जा रही ने सेवियां क्योंकि खाना जड़ा ना सी हुन खादा है ते मेहमान भी जड़े ना वो भी सानू कह रहे सी कि खाना हां जी वो तो कहंदे पे कोई चीज जरूरत नहीं किसी दी मैं कहनी थोड़ा जे ना मीठा हो जाना चाहिए क्योंकि रोटी ने काफी लेट खादी ने बनाना हां दो पैकेट सेवियां दे लेके आया सी जो दोवें जड़ा ना सी बनान लगे क्योंकि मेहमान भी हैं और घर दे अफराद भी असी हैं पानी जड़ा ना बेगम साहिबा ने उबलने रख दिया बड़ी मजेदार बन दी ने ये देखे ना ऐस वजह तो है ये दे होनी अली पाई है ना ये कितना आ गया ना बस ठीक है उबाल के पानी रिमूव करना हां जी पानी ने ना जिस तरह चावल ने मुठाने हैं इस तरह में पानी ने ना ला लेना तू मुठा के बस जी इन्नी की देर जड़ी है ना इन्होंने उबालना सी चूल्हा कर देने हैं स्लो बिल्कुल बंद कर दो दोबारा चल जाएगा कोई मसला ऐसे और इन्हू जड़ा ना जी पानी रिमूव कर देने अच्छा जी इस तू बाद दुध जड़ा ना उन्हों उबाल दिता जाएगा और दुध जो फुल गर्म हो जाएगा ना तो सेवियां जड़िया असी वाटर रिमूव कर दिता उनके विच ना वो वाली सेवियां इहदे विच ऐड कर देंगे और ये परफेक्ट जड़ी अन्ना पक जाए हाँ जी दो जड़े ना गर्म हो वास्ते तो रखे आते और देर ना दो वे जड़ी ने मैं पानी दिला दिया और ना जड़े ना चीनी पा देने हैं जी हाँ जी बेटा क्या बात है फैजा मेरे नाल ना उठ गई हुई है देखो फैजा भी नाले ना रहना है क्योंकि ना फैजा लेट सुनती है अगर ना सवा गई है तो फिर भी रोंदी है अगर सवा दे गई तो फिर रात में उठी करनी पड़ी है दो गला होनी होंगे लेकिन हूं उनका टाइम हो गया जी उठन का तो साढ़ा टाइम हो गया सवन का हूं क्या बात है दसो इधर आओ मेरी बात सुनो इधर पापा की बात सुनो क्या मसला है क्या मसला है क्या बात है बेटा क्या लेना हां तो ये बना रहे हैं बेटा आपको देते हैं पानी पीना है बोतल पीनी है अच्छा बेटा मरो बेटा मोहन और दूध ज्यादा जड़ा है ना जी वो हो गया बॉयल और इधर बेच जड़ा ना होन पा देने हैं सेवइयां लो जी पा दो सवैया जी ना जी वो हो गई ने ऐड और उस तो बाद हुण इहनूं हल्की आँच ते जिहड़ा ना थोड़ा जिहा उबाला देवांगे और उस तो बाद सेवियां साडियां जिहड़ियां ना तैयार क्योंकि सेवियां साइड ते उबाइल हो गईयां सन और दुध भी साइड ते बॉयल हो गया सी
तो हूँ ये सेवियाँ ऐड कर दी तो हम थोड़ा जहाँ सिर्फ एक उबाला जिन्होंने असं कहने उस होर देना इवें ही है ना बेगम साहब। हाँ जी सिवियाँ माशा रेडी हो गए बस थोड़ा जे हल्का जहा सेक कच्चा बन ना रहे। हाँ ठीक हो गया पेश करने क्योंकि सेवी ने थोड़ी जी सर्दी थोड़ी थोड़ी गर्म ही हो फिर मजा कर दी है अगर ज्यादा ठंडी हो जाए तो फिर भी मजा नहीं करती गर्मी तो फिर फुल फ्रिज रख के बंदा खाना खावे ना तो फिर मजा कर दिया नहीं करती लेकिन हम उन्होंने भरा पहले देने सेवियां वो तुम चाह तैयार हो फिर बाद चाह देने चार मेहमान और चार चम्मच में चुख लेने उल्ट करके रखो ना खुशक हो जाएंगे खुशक तो हो पे नहीं लेकिन टूटने नहीं उससे बस ठीक है नहीं मैं चाहूँ ना जैसे भी नहीं क्या चलो दूसरी बेगम साहब जी जी सेवियां पेश कर रही मेहमानों मेहमान साढ़े अंदर बैठे ने हीटर चलाया हुआ क्योंकि सर्दी है माँ जी उरी जड़े इन्ना फिर बुजुर्ग बंदे ने फिर इस वजह तो ठंड जड़ी ना ना लगे ते एक फिर वो छोटे ट्रे च एक और ले आओ है हाँ आए भाजी आप भी इधर आ जाए बैठे खाए खाना पकाना सी जी शाम नूं भी लेकिन बाजी उन्होंने खसूसी तौर पर मना किया भी कोई चीज नहीं खानी क्योंकि भुख नहीं है रोटी जी लेट खाधी तो हूँ कुछ भी नहीं पकाना लेकिन फिर भी असी जड़ा ना पकाया क्योंकि रात के टाइम रात काफ़ी लंबी है तो फिर सुबह नाश्ते तक जड़ा ना फिर शायद हो सकता भुख लग जाए तो फिर यह जरूरी सी थोड़ा जहा स्वीट डिश वैसे भी खाने तो बाद होता फौरन होना चाहिए सी लेकिन असं चलो रात में बनाने ना करो बेटा मोबाइल ना बच्चे माशाल्लाह जड़े ने जी घुल मिल गए ने फैजा जदों आए ने ना बाजी उरी उदो ते नज़दीक ही नहीं सी जा रही ना बिल्कुल भी बुलाया भी नहीं सी बोलती भी तो हूँ माशाल्लाह गोदी च बैठी और ऐजा मैं कह रहा सी जदों ऐजा आएगी ना तो फिर दोवें भैणा घुल मिल जाएंगे ऐजा बड़ी जल्दी घुल मिल जाती लेकिन फैजा थोड़ा जहा हले कर दी हाँ बस बच्चे माशाल्लाह इस तरह ना अब घुल मिल गए तो बिलाल जड़ा है ना जी वो अपना स्कूल दा होमवर्क वगैरह करता पे कर ले बेटे हैं हो गया बेटा चलो आप समेट दो इसको बेगम साहब जड़ी है ना जी गई बैठी चाय ते चाय जड़ी है ना वो हुन मेहमानों नु पेश करने हां जी मैं बात कर दे मैं ठंडी हो गई फिर ते गरम कर लेवांगे अच्छा जी चाय जड़ी है ना जी माशाल्लाह हो गई है तैयार इनु हुन कपा जी पाओ गर्म करना है क्योंकि मैं सिलेंडर बंद कर दिया मैं खैर तक सेवियां खाने पे ने फिर बाद देनी है उधर चाय जड़ी ना उन्हें सुख जाए ठंडा हो जाना ठंडा हो जाना इस वास्ते मैं सिलेंडर बंद करते मैं दोबारा जाना गर्म कर लवाने। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह चाय जड़ी है ना जी होगी तैयार चाय ले जाना वा मैं अंदर क्योंकि बेगम साहब जड़ी है ना जी किचन ने चले तकर मसरूफ है लेके जानी जी जिवें थोड़ा नहीं वेख लो जे अगर तुसी फ्री हो तो तुसी ले जाओ नहीं वो तो मैं फिर हां चलो ठीक है ले जाओ नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है सर्दियों का मौसम की चीज है नहीं चाय पियो थोड़ी उम्र की चाय जरूरी होंगी है नहीं नहीं बहुत जरूरी होंगी चाय अच्छा 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 चलो थोड़ी करा लो जगर थोड़ी चाहिए था चलो फिर एक वापस ले जा मेरी हाले सेवियां पी ने मैं हाले खानी ने उस तो बाद पीवांगा फिर मैं चलो नहीं चाय तो उतू भी अच्छी नहीं लगन मैं हूने खा लैन मैं सिर्फ मसरूफ सी ना थंबनेल बना रहा सी ओ जी ओ हुण घुल मिल गई हुण कोई टेंशन नहीं हुण माशाल्लाह हैप्पी है हाँ
हाँ जी चाय भी पी ली है और सवैया वगैरह भी जड़ी जो खा लेने और बेगम साहबा की ड्यूटी जी हो लग गई बर्तन सारे धोन की हूँ सारे बर्तन जो ना धो रही है और ए मेरा बेटा की करता फिरता है आप लिख रहे हो काम स्कूल का अच्छा लिखो जाकर अंदर लिखो बाहर बहुत सर्दी है अंदर लिखो काम वेरी गुड शाबाश ओ बिस्मिल्लाह माशाल्लाह हाँ जी जी बेटा बात है बोलो वो खुद से बड़ी चप्पल पहन के आई है ऐसा क्या कर रहे हो दंद भज्जी तैयारी ते वीडियो दी जेने दी एथी एंड करने है इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छी वीडियो च और अच्छी वीडियो में फिर आदर होंगे तो आप भी बैन करो जी ज्यादा अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़ जी लगे बाय।